एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आप में से जो लोग भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको आज का टॉपिक बहुत हेल्प करने वाला है। तो टॉपिक की बात करते हैं, क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे। सो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में, यानी कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, जिसमें से हम जो है कॉग्निटिव एस्पेक्ट को आज अच्छे से समझेंगे। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आप मुझसे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ भी कोर्सेज बनाती हूँ, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, और या तो जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। इसमें आज जो हम जानेंगे कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम ने क्या क्या किया था। सो ये मेरी गारंटी है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो, इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम ने किया था। उससे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्य दिए थे उनका आधार क्या था। ठीक है, तो देखो बात ये ऐसी है कि जब हम कोई भी टीचिंग करते हैं, हम कुछ भी चीज़ सिखा रहे हैं किसी को, तो जब आपको सिखा रहे हैं एज अ टीचर किसी स्टूडेंट को, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप उसकी लर्निंग में क्या लाओ, बदलाव लाओ, है ना। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन करना ही शिक्षण का, टीचिंग का उद्देश्य होता है। होता है, नहीं होता है? होता है। और आपने सुना होगा कि बच्चे का हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहिए, उसकी लर्निंग का पूर्ण विकास करना चाहिए। तो ये पूर्ण विकास होगा कैसे? क्या आप सिर्फ उसकी समझ बढ़ा के पूर्ण विकास कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज देके उसका पूर्ण विकास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम पहले ये देखेंगे कि व्यवहार में जो परिवर्तन हमारे शिक्षण से आता है, वो व्यवहार के कौन कौन से पक्ष होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ब्लूम पे चलेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है शैक्षिक उद्देश्य जो हमारे होते हैं, जो हम टीचिंग कर रहे हैं, हमारे टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है। ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक है, हम जो भी लर्निंग में बदलाव ला रहे हैं वो हम तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि आप हम क्या करेंगे, कॉग्निटिव ज्ञानात्मक विकास में वृद्धि करेंगे, भावात्मक फीलिंग से रिलेटेड हुआ, और साइकोमोटर क्रियात्मक, कि बच्चा करके भी सीखे, यानी कि सिर्फ नॉलेज मिल गई और कुछ नहीं। तो ब्लूम ने इन तीन जो है डोमेन को बताया, और हर एक डोमेन में उन्होंने पार्ट्स बताए थे। ठीक है, बेसिकली इसी के बेसिस पे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया गया था। और वही ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जिन्हें हम अचीव करते हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे तभी तो हमें वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव होंगे, है ना। तो ये था, अब चलते ब्लूम पे कि ब्लूम ने 1956 में ये अपनी टैक्सोनॉमी दी थी। ठीक है, अपनी कॉग्निटिव से रिलेटेड, और जो अफेक्टिव है और जो साइकोमोटर है वो उनके जो आगे और उनके उनके साथ जो उनके साथी थे उन्होंने भी दिया था। तो आज हम सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 1956 में दिया था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे B.S. ब्लूम, और इन्होंने बेसिकली क्या दिया था कि तीन पक्ष होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है। इन तीनों में उद्देश्यों को बताएं कि भाई इन उद्देश्यों को हमें क्या करना है, प्राप्त करना है पढ़ा के या टीच करके स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले ज्ञानात्मक पक्ष पे। ज्ञानात्मक पक्ष हमारा माइंड से रिलेटेड होता है, हमारे बुद्धि से रिलेटेड है, हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड है, आपको कितना ज्ञान है, आपके रिकॉल से रिलेटेड है, आप चीज़ों को कितना याद कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपके माइंड, आपकी थिंकिंग। उसके बाद भावात्मक की बात की इन्होंने, हार्ट से रिलेटेड, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या वैल्यूज़ जो है उससे इनकलकेट कर रहे हो। हम होता है ना, हम पढ़ते हैं कुछ कोई चीज़ तो हम वैल्यूज़ सीखते हैं, हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स होती हैं, तो वो है साइकोमोटर, आपका भावात्मक पक्ष होता है। और होता है क्रियात्मक, यानी कि आपके मोटर स्किल, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल बेसिकली इसके अंदर आता है, कि आप जो है कैसे क्रिया कर रहे हो, आपका अंग संचालन, आपकी जो एक्टिविटी है, जो आप क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ इस वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे गाइस, कॉग्निटिव पॉइंट को। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते कॉग्निटिव पे। इन्होंने बोला कि कॉग्निटिव पक्ष में धीरे धीरे क्या होता है, एक हायरार्की से
जो है हमारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है। मतलब कि लोअर लेवल से अपर लेवल तक एक हायरार्की जाती है। अब मैं आपको ये सभी चीजें एक एक करके बताऊंगी, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, सबसे पहले कॉग्निटिव में ज्ञानात्मक पक्ष में इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्होंने 6 भाग बताए कि एक बच्चा जब कोई चीज सीखता है, कोई लर्न करता है कोई चीज, तो वो क्या करता है, अपने लोअर लेवल से हायर लेवल तक जाता है। यहाँ पे जो बच्चा आया ना इवेल्युएशन पे, ये सबसे उसका हायर लेवल है और ये क्या है, सबसे उसका लोअर, यानी कि सबसे लोएस्ट लेवल जो है वो ज्ञान होता है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा क्या है, सीखता है। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल से देखते हैं क्या है। सबसे पहले आता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब है कोई भी चीज उसने, ये होता है नॉलेज हमारा मेमोरी बेस्ड, कि मैंने कोई चीज आपसे पूछी, आपने फट से उसका आंसर दे दिया, ठीक है, वो आपका नॉलेज हुआ, ठीक है। तो पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल जब बताऊंगी ना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। पहले नॉलेज है जो हमारी मेमोरी से रिलेटेड है, हमारे रिकॉल से रिलेटेड है, ठीक है, हमें कितनी चीज़ें याद हैं, ठीक है। मतलब कि आप जो है किसी चीज़ का डेफिनेशन दे देते हो, आप कोई नाम बता दोगे, तो वो नॉलेज बेस्ड है। अभी उस एग्जाम्पल से चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में मतलब है कि जहाँ पे समझ आ गया, जहाँ पे कोई बच्चा है वो कोई चीज़ जो है उसको बता सकता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है, चुन सकता है और जो है एग्जाम्पल्स दे सकता है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन, यानी कि आप जिनने जो कोई चीज़ सीखा वो आप कैसे प्रयोग कर रहे हो। उसके बाद विश्लेषण। विश्लेषण में किसी भी समस्या को हम पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। संश्लेषण मतलब, संश्लेषण विश्लेषण का उल्टा होता है, कि हम एज अ होल किसी भी चीज़ को देखते हैं और देन हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। या संश्लेषण में गाइस क्रिएटिविटी आती है, हम कुछ नया चीज़ सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन, कि हमने जो पढ़ा हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वो हमारे लिए कितना ज़रूरी था, वो हमारे लिए क्या महत्व रखता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल है, उसके बेसिस पे हम ये सभी चीज़ समझेंगे। मान लीजिए कि मैंने एक स्टोरी पढ़ाई, क्लास में गई, मैंने एक स्टोरी पढ़ाई बच्चों को, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा एक स्टोरी, ध्यान से समझना, ठीक है। स्टोरी है, स्टोरी का मैंने नाम बता दिया, क्या बताया मैंने, नेम। स्टोरी का मैंने नेम बताया बच्चों को, कैरेक्टर्स बता दिए कि भाई ये कैरेक्टर हैं और ये नाम है। तो बच्चे को स्टोरी का क्या हो गया, अभी नॉलेज, अभी वो कौन से उस पर, नॉलेज पे है। अब मैं पूछूंगी बच्चे आज की स्टोरी हम क्या पढ़ेंगे, तो बच्चे बोलेंगे भाई हमारी जो स्टोरी है वो ये है। जैसे मान लीजिए द थर्स्टी क्रो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो स्टोरी का नेम उसको पता है, उसको कैरेक्टर जो है मैंने बता दिया, तो उसको क्या है अभी, नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज है अभी उसको। उसके बाद मैंने वो स्टोरी पढ़ाई, मैंने वो स्टोरी क्लासरूम में पढ़ाई, और उसको पढ़ाने के बाद मैंने वो स्टोरी पढ़ा दी। फिर मैंने पूछा अच्छे बच्चे अब मुझे आप जो है स्टोरी बताइए, तो क्या होगा, मैंने जो स्टोरी पढ़ाई है जिसको बस उसको नॉलेज था पहले, उसके बाद उसको क्या हो गई इस चीज़ की, अंडरस्टैंडिंग हो गई। मतलब जो उसने स्टोरी पढ़ी, जो उसने स्टोरी को नाम सुना था, मैंने जब उसको स्टोरी बताई क्लास में पढ़ाया, तो वो क्या करेगा, जब आप उसे अगली बार पूछेंगे, मान लीजिए वही बच्चा है और आप गए, आपने उसे पूछा कि भाई आपने स्टोरी पढ़ी है, चलिए बताइए ये स्टोरी में क्या है, तो बच्चा क्या करेगा, स्टोरी को बताएगा, है ना, अपने वर्ड्स में स्टोरी को बताएगा कि हाँ ये स्टोरी में ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, सभी चीज़ें वो बता देगा। तो उसको क्या हो गई, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। उसके बाद आता है, अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई उसने स्टोरी को पढ़ लिया, समझ लिया, स्टोरी उसको समझ में आ गई, उसको पता है स्टोरी में क्या है, क्या क्या कहानी होती है। उसके बाद आएगा हमारा एप्लीकेशन। अब बच्चा उसको अप्लाई करेगा, अप्लाई कैसे करेगा, अब मैंने जो स्टोरी बच्चे को पढ़ाई है, मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी बच्चे, अच्छे बच्चे चलिए आप ना मेरे को ये जो कैरेक्टर है स्टोरी में इसके बारे में बताइए, या स्टोरी में मैं उसको दे दूँगी क्वेश्चन आंसर, मैं उसको क्या दे दूँगी, क्वेश्चन आंसर दे दूँगी कि चलिए बच्चे बताइए कि इसमें जो है ये जो क्रो है वो जो है वो प्यासा क्यों होता है, वो कैसे पानी को इकट्ठा करते हैं, मान लीजिए थर्स्टी क्रो है, तो वो क्या पानी को उसने घड़े घड़े में उसने कंकड़ डाला, मतलब मैं उससे पूछूंगी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पूछूंगी, समझ गए ना आप, कि भाई यहाँ पे बच्चा अप्लाई करेगा, जो उसने स्टोरी पढ़ी है वो क्वेश्चन आंसर को देखेगा, अब वो खुद से फिलअप करेगा। मैंने उसको खाली स्थान दे दिया कि एक कौवा डैश था, क्या था कौवा, प्यासा था। तो यहाँ पे क्या है, अप्लाई कर रहा है, जो चीज़ समझी है उसके बेसिस पे वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहा है,
दैट मीन्स कि एप्लीकेशन आ गया उसका, प्रयोग आ गया. ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा. उसके बाद एप्लीकेशन तो हो गया, अब आ जाएगा उसका एनालाइज. एनालाइज करेगा अब मतलब कि जो भी चीज़ उसने पढ़ा है उसको वो पार्ट्स में देखेगा. ठीक है, पार्ट्स में देखेगा. अब जैसे मैंने बोला कि अच्छा बच्चे बताइए कि विश्लेषण में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी सिचुएशन को अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं. ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में देखने का मतलब है कि मैंने जो उसको स्टोरी क्वेश्चन आंसर मैंने उसको बोला था, अब मैं उसको बोलूँगी कि अच्छा बच्चे बताइए कि जो ये जो कैरेक्टर था वो ऐसा क्यों था, है ना. तो वो क्या करेगा, डिफरेंट 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 वहाँ से क्या करेगा, वो रीजंस फाइंड आउट करेगा. मतलब अलग अलग पार्ट्स को क्या करेगा, वो जो है इकट्ठा करके एक कंक्लूजन पे आएगा. तो ये है अप्लाई, है ना, अप्लाई करेगा वो यहाँ पे, सॉरी एनालाइज करेगा. एनालाइज का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं विभिन्न जो है भागों में अलग अलग करके कोई चीज़ को देखते हैं, तो वो क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया. ठीक है, स्टोरी को जो है पहले उसने नॉलेज गेन किया, अंडरस्टैंडिंग में समझ बनाई, अब वो स्टोरी बता रहा है. एप्लीकेशन में क्वेश्चन आंसर कर लेगा, फिलअप कर लेगा वो, और जो है अच्छे से स्टोरी को जो है अपने लाइफ में जो भी उसने उस स्टोरी से सीखा वो उसको अप्लाई करेगा. उसके बाद आता है एनालाइज करेगा. एनालाइज जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि अच्छा बताओ ऐसा क्यों हुआ स्टोरी में, है ना. मान लीजिए एक राजा है वो मर गया, वो राजा क्यों मरा, तो अब वो बच्चा फाइंड आउट करेगा, रीजंस को फाइंड आउट करेगा. तो वो क्या है, एनालाइज है, रीजंस को फाइंड आउट करके एक सॉल्यूशन पे जाएगा. फिर आएगा सिंथेसिस. सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण. ठीक है, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण होगा. संश्लेषण में होता है कि कोई न्यू नॉलेज को बच्चा बनाता है, यानी कि विभिन्न तथ्यों को जोड़कर संपूर्ण या नया विचार बनाना. अब यहाँ पे बच्चा कोई नया विचार बनाएगा, कैसे बनाएगा, मान लीजिए यहाँ तक स्टोरी उसने पढ़ ली, अब मैं उसको बोलूंगी कि अच्छा बच्चे बताइए इसी स्टोरी को क्या आप अपने वर्ड्स में, क्या आप इसी स्टोरी में अलग कुछ कर सकते हैं, क्या आप नया कंक्लूजन निकाल सकते हैं. मैं बोलूंगी कि अच्छा जो थर्स्टी क्रो स्टोरी थी आप इसको जो है दूसरे तरीके से बताइए. तो अब वो क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा. अब वो क्या करेगा, स्टोरी के सभी स्टोरी, पूरी स्टोरी को एज अ होल देखेगा, पूरी स्टोरी को समझेगा, अच्छा स्टोरी में ये था. फिर वो सोचेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कुछ नया क्रिएट कर सकूं उस स्टोरी से. तो जहां पे नया आता है, कुछ क्रिएटिव आता है, वो आपका सिंथेसिस आता है, यानी संश्लेषण आता है. संश्लेषण के बाद आएगा मूल्यांकन. मूल्यांकन करेगा कि मैंने जो किया, अब यहाँ पे बच्चा जो है मूल्यांकन करेगा कि ये स्टोरी का मूल्यांकन करेगा कि भाई जो स्टोरी थी उससे हमें क्या समझ मिली, क्या सीख मिली, एक निष्कर्ष निकालेगा, एक कंक्लूजन निकालेगा. ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जो भी है ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण. एक और अगर मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, ठीक है, छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने जो है एक बच्चे से पूछा कि मान लीजिए चाय है, ठीक है, चलो टी का एग्जांपल लेते हैं. चाय है, मैं बच्चे को दिखाऊंगी, मैं कहूंगी कि बेटा ये क्या है, तो वो कहेगा ये तो चाय है. ठीक है, वो कहेगा ये तो चाय है, तो वो कौन से स्तर पे, नॉलेज स्तर पे. उसको सिर्फ नॉलेज है कि इसको चाय बोलते हैं. अगर मैं उसे पूछूंगी कि ये बनता कैसे है, इसमें क्या क्या अंदर है, चाय के अंदर क्या क्या डला है, तो वो नहीं बता पाएगा. तो बच्चे का क्या है, सिर्फ नॉलेज है. तो नॉलेज इसी इतने ही बेस्ड होता है, मेमोरी बेस्ड. ठीक है, चाय क्योंकि उसने पहले देखी है तो वो कहेगा कि चाय है. तो उसके बाद चाय, पहले नाम पता था चाय है, ठीक है, टी है, तो वो उसकी नॉलेज हो गई. उसके बाद अगर मैं बोलूं कि अच्छा चाय जो है वो कैसे बनती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाय के अंदर होते हैं, ठीक है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई. वो बताएगा कि अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, ठीक है, अब वो ये बताने लायक हो गया. वो बोलेगा कि इसमें दूध होता है, इसमें चीनी होता है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है. तो चाय अब उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई. ठीक है, अब मैं उसे बोलूंगी कि बनती कैसे है चाय, तो वो बता देगा मुझे कि चाय जो है ऐसे ऐसे बनती है, वो पूरा प्रोसेस बता देगा चाय बनाने का. तो वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि उसको समझ है. उसके बाद आ जाएगा अप्लाई, एप्लीकेशन. अब वो रियल में जाके चाय बना देगा, किचन में जाके एक बच्चा है, या मैं गई, मैंने जाके रियल में चाय बना दी. ठीक है, तो वो एप्लीकेशन यानी कि जो मैं समझा, जो मैंने सीखा है चाय बनाने का प्रोसेस, मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ, तो एप्लीकेशन हो गया. उसके बाद आएगा विश्लेषण. अब मैं बोलूंगी, अब मैं चाय बना के लाई और आपको मैंने दे दिया चाय पीने के लिए, आप बोलोगे कि अरे चाय तो बहुत अच्छी बनी है. फिर आप एनालाइज करोगे वहाँ पे कि चाय अच्छी क्यों बनी है. आप क्या करोगे, बहुत सारे पार्ट्स को कलेक्ट करोगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे. आप देखोगे कि अच्छा शायद
चीनी जो है वो कम है तो इसलिए अच्छी बनी है, शायद इसने इलायची डाली होगी, शायद इसने अदरक भी डाला होगा तो चाय अच्छी बनी है। तो आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, वो आपने विश्लेषण किया, ठीक है। उसके बाद संश्लेषण आएगा। संश्लेषण का मतलब है कि अब आप कहोगे कि जो है नया कुछ ढूंढोगे कि अच्छा मैं तो दूसरे तरीके से भी चाय बना सकता हूँ। अब आप गए और आपने क्या किया, चाय दूसरे तरीके से आप बनाए, ठीक है। मैंने पहले पानी डाला था, आपने पहले दूध डाल के चाय बना दिया। होता है ना कि भाई कोई पहले पानी डाल के चाय बनाता है, कोई पहले दूध डालता है, तो वो आपका क्या हो गया, संश्लेषण हो गया। फिर मूल्यांकन करेंगे कि अच्छा कैसे चाय अच्छी बनी, दूध पहले डाल के बनी या पानी डाल के बनी। तो ये क्या है कि एक कोई भी लर्निंग जो है वो इसी तरह से होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नॉलेज में आंकड़े की जानकारी है उसको, बस मैंने पूछा कि जो है इंडिया की कैपिटल क्या है, तो बच्चा बोलेगा कि दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, नॉलेज है उसको, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में कोई चीज़ समझना, ठीक है, कोई भी उसको समझ हो गई वो समस्या की व्याख्या करेगा, अनुवाद करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद विश्लेषण, तो ऐसे करके क्या होता है गाइस, नॉलेज जो है उसका वर्गीकरण होता है। तो आई होप अब लोगों को सभी के कंसेप्ट जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।